अगर मैं अपने फेस से नकाब हटा दूंगी तो लोग मुझे जज करेंगे। उसने नकाब कभी भी शरई तौर पे नहीं किया। बिलाल ने उसका फेस देखा है, आयुष भाई ने भी उसका फेस देखा है, आयुष भाई की फैमिली ने भी उसका फेस देखा है। अगर अयप्पी ने शरई तौर पे नकाब किया होता तो निकाह से पहले अयप्पी का फेस आयुष भाई नहीं देख सकते थे। बिलाल जब तक बिलाल का कोई ऐसा रिलेशन नहीं होता, बिलाल फेस नहीं देख सकता था अयप्पी का। और कौन लोग हैं, और अयप्पी के जो क्या बोलते हैं टिकटॉक पे लोग हैं अयप्पी के साथ, वो नहीं देख सकते थे। और मैं तुम लोगों को यही बात बोल रही हूँ कि जब अयप्पी अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में थी, उसकी यूनिवर्सिटी लाइफ अभी कुछ टाइम पहले एंड हुई है, वो यूनिवर्सिटी जाती थी उसने नकाब नहीं किया, वो काम पे जाती है उसने कभी भी नकाब नहीं किया। टिकटॉक लाइफ के लिए उसने नकाब किया था एंड वो चीज में वो ऐसा फंस गई कि फिर वो निकल ही नहीं पाई उस चीज से। एंड उसने खुद भी कहा कि मैं कभी भी फेस रिवील नहीं करूंगी, कभी भी नहीं करूंगी, लेकिन लोगों ने हमें इतना मजबूर कर दिया है, इतना मजबूर कर दिया है कि हम नहीं कर सकते। और अभी हमारा, क्योंकि मुझे पता है इस बात का कि अगर मेरी बहन ने आज नहीं किया तो कल को लोग उसको, क्योंकि आज को इतना कर रहे हैं तो कल को पता नहीं और क्या क्या करेंगे। इससे अच्छा है, क्योंकि मेरी बहन में कोई कमी नहीं है, मेरी बहन बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी है। एंड जब उसका फेस से नकाब हटेगा, यू गाइज विल सी दैट बाय योरसेल्फ। ठीक है, इतना लोगों ने उसे तंग किया, ठीक है, बहुत लोगों ने, और उसको मजबूर कर दिया। वो नहीं पता, वो हटाते भी नहीं, लेकिन क्योंकि वो खुद अपने आप को इस चीज में फील नहीं करती, अब वो बिल्कुल भी इस चीज में अब अपने आप को फील नहीं करती। उसने बहुत ज्यादा कंट्रोल किया अपने आप को। वो पिछले 4-5 महीने जब आयुष भाई और अयप्पी की एंगेजमेंट हुई, जब भी इस बारे में बहुत बड़ी डिस्कशन हुई थी घर पे, हम सब ने उसे समझाया था इस बारे में कि वो जब भी इस बारे को लेके बहुत कंसर्न थी कि वो कंफर्टेबल ही नहीं होती, वो बाहर जाती है, कुछ कर नहीं सकती। एंड गाइज आई रिपीट दिस अगेन, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, जो लोग पाकिस्तानी हैं, जो लोग मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो लोग नॉन मुस्लिम भी हैं, जो कुछ भी हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो। उसने शरई नकाब नहीं किया है, उसने पर्दा नहीं किया, उसने वो हिजाब करती है, हिजाब वो कभी भी नहीं उतारेगी, हिजाब वो कभी भी नहीं उतारेगी। लेकिन जो नकाब है वो उसने सिर्फ लाइफ पे आने के लिए किया था। और ये बात हमारे जो क्लोज लोग हैं वो जानते हैं, हमारी फैमिली जानती है, अयप्पी के फ्रेंड्स जानते हैं, जो लोग अयप्पी के साथ कनेक्ट हुए हैं सब जानते हैं कि ये सिर्फ टिकटॉक की लाइफ के लिए था। ठीक है, लेकिन टिकटॉक की लाइफ की वजह से लोग उसे अब तंग करने लगे हैं। ठीक है, उसको लोग नकाब के ऊपर रख के बहुत जज करते हैं, बहुत ज्यादा जज करते हैं। तो एक इंसान एक हद तक बर्दाश्त कर सकता है, हर इंसान की अपनी एक लिमिट होती है। अलीजे की लिमिट अब खत्म हो रही है, बहुत खत्म हो रही है अलीजे की लिमिट। एंड आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ठीक है, आप लोग नहीं भी समझोगे तो भी वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप लोग समझ जाओगे तो वो ज्यादा हमारे सही रहेगा। क्योंकि अगर आप लोग हमारे साथ खड़े नहीं होगे तो फिर कैसे, क्योंकि देखो अभी अलीजे को बहुत जरूरत है आप लोगों की,